Good morning dear students, today we will continue chapter 3. So now you all will open your English literature book page number 23. So in previous class we had completed this chapter para till 27. So we will continue this chapter from para 28. Okay, so in 28 para hum he said I eat normal, let me feel your stomach once more. अब यहाँ पर जो है डॉक्टर जब वहां पहुंच जाते हैं और उनके माउथ में जब उन्होंने थर्मोमीटर दिया then what happened? हाँ, he said, उसने कहा it reads normal. अब तुम्हें थोड़ा सा जो है मतलब बुखार तो नहीं है, तुम नॉर्मल हो, लेट मी फील योर स्टमक वंस मोर, मुझे तुम्हारा एक बार स्टमक और चेक करने दो, आखिर क्या प्रॉब्लम है. तो डॉक्टर को देखते हैं तो वो थोड़ा नॉर्मल नजर आते हैं, वो रोल्ड है, बोले तुम्हें फीवर तो नहीं है लेकिन एक बार मैं तुम्हारा स्टमक और चेक करता हूँ. 28 आउच आई स्क्रीम वेन ही टच द वाइटल स्पॉट. एक्चुअली यहाँ पर जो रोल्ड है वो एकदम से बोलते हैं आउच आई स्क्रीम, वो ऐसे थोड़ा सा क्राई करते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं वेन ही टच द वाइटल स्पॉट. वाइटल स्पॉट एज आई टोल्ड यू सेंसिटिव जो पॉइंट जहां पर उनको एक्चुअली शो करना था कि यही मेरा अपेंडिक्स जो है इस जगह है, तो उस स्पॉट पे जैसे डॉक्टर टच करते हैं तो वो आउच करते हैं कॉल्ड रोल्ड है. पैरा 30 है द डॉक्टर went away with the matron, like the matron he must have felt it suffered to send me home rather than risk an appendicitis operation in the school. अब यहाँ पर डॉक्टर है वो matron के पास जाते हैं और matron की जैसे वो क्या सोचते हैं he must have felt in suffered to send me home rather than risk an appendicitis operation in the school, कि इनको घर भेजना ही ज्यादा बेटर है, हमें स्कूल में इनका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए. द matron रिटर्न हाफ एन आवर लेटर एंड सेड, और तभी जो matron है वो आधे घंटे बाद में आती है और कहती है द हेडमास्टर हैज टेलीफोन योर मदर एंड शी इज कमिंग टू फेच यू दिस आफ्टरनून. और वो जो है रोल्ड ऐसे क्या बोलती है कि हेडमास्टर जो है उन्होंने आपके प्रिंसिपल ने आपकी मम्मा को फोन कर दिया है और आपकी मम्मा जो है आपको आफ्टरनून में आज लेने के लिए आ रही है. देन पैरा 31 आई डिड नॉट आंसर आई जस्ट ले थ्री देयर trying to look very ill but my heart was singing out with all sorts of wonderful songs of praise and joy. अब यहाँ पर जो रॉयल डन है एक्चुअली उन्होंने ऐसा सुनकर कोई आंसर नहीं दिया. आई जस्ट ले देयर लाइंग टू लुक वेरी इल, और मैं इस तरीके से लेटा रहा जैसे मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ. बट माई हार्ट वॉज सिंगिंग, बट जो रॉयल डन है जब उन्होंने बात सुनी कि उनके मदर उनको लेने के लिए आ रही क्योंकि उनको होम सिकनेस हो रही थी, घर की याद आ रही थी और वो उनका जो प्लान उन्होंने बनाया था वो पूरा होने वाला था, तो वो इस वजह से बहुत खुश थे, उनका जो हार्ट है वो सिंगिंग कर रहा था और मतलब उनको बहुत खुशी हो रही थी विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग्स ऑफ प्रेज एंड जॉय. जितने भी सॉन्ग्स जो हो सकते थे खुशी के वो सारे सारे मन में गुनगुना रहे थे. इट मीन्स ही वाज गेटिंग टू मच हैप्पी, बहुत ही खुश हो रहे थे लेकिन वो अपनी खुशी को शो नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि किसी को शक हो जाता अगर वो इस तरीके से शो करते तो. ठीक है, देन पैरा 32 आई वॉज टेकन होम अक्रॉस द ब्रिस्टल चैनल एंड आई फील सो वंडरफुल एट बींग अवे फ्रॉम द स्कूल दैट आई वॉज नियरली फॉरगेट आई वॉज मीन टू बी इल. अब यहाँ पर जो रॉयल डेन है उनको उनके घर पर ले जाया गया ब्रिस्टल चैनल में. अब जो है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आई फील सो वंडरफुल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहां जाकर एट बींग अवे फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से बाहर निकलते बहुत अच्छा लगा. आई वेरी नियरली फॉरगॉट आई वॉज मीन टू बी इल, और मैं बिल्कुल अच्छे से भूल गया कि मैं कभी बीमार भी हुआ या मुझे कुछ प्रॉब्लम भी हुई, वो सब कुछ मतलब जो है ऑथर भूल जाते हैं. द आफ्टरनून आई हैड अ सेशन विद डॉक्टर डनवर एंड कार्डिफ. अब यहाँ पर आफ्टरनून में उनका सेशन था एक्चुअली डॉक्टर डनवर के डनवर के साथ. एंड आई ट्राइड द सेम ट्रिक ऑल ओवर अगेन, और मैंने सेम वही ट्रिक करी जो कि मैंने अपने यहाँ हॉस्टल में की थी. ठीक है, डे बोर्डिंग जो स्कूल है वहां पर जैसी वो एक्टिंग कर रहे थे और डॉक्टर कार्डिफ के सामने भी उन्होंने सेम प्रिटेंड करना शुरू कर दिया. बट डॉक्टर डनवर वॉज फार वाइजर मोर स्किलफुल देन ईदर द मैटरन और द स्कूल डॉक्टर. लेकिन ये जो डॉक्टर थे कार्डिफ वो इतने ज्यादा मतलब एक्चुअली स्कूल स्किलफुल थे जितने की मतलब जो स्कूल में मैटरन और डॉक्टर थे उनसे कई ज्यादा गुना वो बहुत ही क्या थे, स्किलफुल थे, उनको इंटेलिजेंट समझ लो, उनको इस चीज की ज्यादा नॉलेज थी.
33 पैरा आफ्टर ही हैड प्रोडेड माय स्टमक एंड आई हैड डन माय हेल्पिंग रूटीन ही सेड टू मी नाउ यू कैन गेट ड्रेस अगेन एंड सीट योरसेल्फ ऑन द चेयर। और तभी डॉक्टर ने जब मुझे प्रोडिंग एंड पेट को मतलब दबा के पोकिंग करके देखा मेरे स्टमक को, तो मैंने सेम वैसे ही हेल्पिंग करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि मैं रूटीन में करता था। एंड ही सेड टू मी, तभी डॉक्टर ने मुझे कहा, कार्डिक डॉक्टर ने, नाउ यू कैन गेट ड्रेस्ड अगेन, अब तुम खड़े हो सकते हो, तुम्हारी ड्रेस पहन करके अपनी सीट पर अपने चेयर पर बैठ जाओ। 34 पैरा ही हिमसेल्फ सेट डाउन बिहाइंड हिज डेस्क एंड फिक्स्ड मी विद अ पेनेट्रेटिंग बट नॉट अनकाइंडली आईज, यू आर फेकिंग, यू आर aren't you, he said. Actually, जब उन्होंने बोल दिया डॉक्टर ने रोनाल्ड डेल को चेयर पे बैठने के लिए, तो डॉक्टर भी एक्चुअली उनके साथ बैठ गए, पीछे साथ बैठ गए, अजीब तरीके से रोनाल्ड डेल को देखने लगे। उन्होंने क्या बोला, penetrating it means steady and sharp look as if looking into the other's mind, मतलब इस तरीके से sharp mind से उनको देखने लगे। और उन्होंने क्या बोला, डॉक्टर ने रॉयल डेल को बोला, यू आर फेकिंग, तुम नाटक कर रहे हो और तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सही बोल रहा हूँ ना, वाकई में तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना, देन व्हाट हैपेंड, हाउ डू यू नो आई ब्लर्टेड आउट, तभी जो रॉयल डेल है उन्होंने बोल ऐसे कहा कि आपको कैसे पता लगा। देन डॉक्टर ने क्या कहा, बिकॉज योर स्टमक इज सॉफ्ट एंड परफेक्ट नॉर्मल, बिकॉज योर स्टमक इज सॉफ्ट एंड नॉर्मली परफेक्ट, तुम्हारा जो स्टमक है वो सॉफ्ट है और नॉर्मल है, ही आंसर, डॉक्टर ने उनको आंसर दिया, इफ यू हैड एन इन्फ्लेमेशन inflammation down there, the stomach would have been hard and rigid, it is quite easy to tell. अगर आपके body के अंदर कोई भी appendix की problem होती तो आपका जो stomach है वो इस तरीके से normal और soft नहीं होता, आपका जो stomach है वो बहुत ही ज़्यादा tight होता, तो इसलिए आपको कुछ भी problem नहीं है, तो it is quite easy to tell, और ये बताना तुम्हारे लिए बहुत ही actually ज़रूरी है कि ये बात जो है वो रियलिटी है कि तुम्हारा जो स्टमक है ये तो बहुत ही नॉर्मल है। अब वो क्या सोच रहे डॉक्टर की ये बात तो मुझे बताना जरूरी है तुम्हारे घर वालों को कि हाँ भाई तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम तो नॉर्मल हो। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन, इट मीन्स अ पेनफुल स्वेलिंग कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। नाउ नेक्स्ट पैरा 37, आई केप्ट साइलेंट, और तभी जो है रॉयल डेल वो चुपचाप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। देन व्हाट हैपेंड, आई एक्सपेक्ट यू आर होम सिक, ही सेड, उसने बोला कि मुझे लगता है जहां तक कि तुम्हें घर की याद आ रही थी इसलिए शायद तुमने ऐसा कुछ किया। एंड 39 पैरा, आई नोडेड मिजरेबली, और तभी जो है रॉयल डेल उसने बहुत ही अनहैप्पी मैनर से बोला अपनी, मतलब बोला था कि आई नोडेड, इट मीन्स अपनी गर्दन को ऐसे हिलाया कि शायद इसी वजह से। एंड पैरा 40, एवरी वन इज एट फर्स्ट, ही सेड, यू हैव टू स्टिक इट आउट एंड डोंट ब्लेम योर मदर फॉर सेंडिंग यू अवे टू बोर्डिंग स्कूल, शी इंस्टेड यू insisted you were too young to go, but it was I who persuaded her it was the right thing to do, life is tough and sooner you learn how to cope with it the better for you. यहाँ पर डॉक्टर उसको क्या बताते हैं रॉयल डेल को, everyone is एट फर्स्ट, जो भी यहाँ पर आपके डे बोर्डिंग स्कूल में जो भी है वो सारे फर्स्ट टाइम ही आए हैं, सबके साथ फर्स्ट टाइम ही ऐसा होता है। एंड यू हैव टू स्टिक इट आउट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिक इट आउट, मीन फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज एंड पेशेंस, करेज और पेशेंस के साथ में जो सिचुएशन होती है फेस पे अनप्लीजेंट की वैसे उनके नजर आए वो। एंड डोंट ब्लेम योर मदर फॉर सेंडिंग यू अवे टू बोर्डिंग स्कूल, तुम तुम्हारी मदर को इस तरीके से ब्लेम मत करो कि तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में तुम्हारी मदर ने भेजा है, शी इंसिस्टेड यू वर टू यंग टू गो बट इट वॉज आई हु पर्सुएडेड हर। अब यहाँ पर क्या बोल रहे डॉक्टर, एक्चुअली तुम्हारी मदर तो कह रही थी कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें यहाँ बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन मैं, डॉक्टर क्या बोलते, मैंने ही उनको इंसिस्ट किया था कि यू शुड सेंड हिम एट अ बोर्डिंग स्कूल, उनको बोर्डिंग स्कूल में भेजने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि मैंने ही उनको इंसिस्ट किया था। पर्सुएडेड इट मीन्स मेड हर चेंज हर माइंड थ्रू रिक्वेस्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ही आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर ने जो है रॉयल डेल को डे बोर्डिंग स्कूल में भेजने के लिए, ठीक है, तो वो बताते कि मैंने ही उनको कहा था। लाइफ इज टफ, जो लाइफ है बहुत ही टफ है, एंड द सूनर यू लर्न हाउ टू कोप विद इट द बेटर फॉर यू, और थोड़े टाइम बाद में तुम अपने आप, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया तुम्हारी मदर ने सही किया।
और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें जो तुम्हारा बोर्डिंग स्कूल है वहां पर तुम्हें रियल में वापस से जाना चाहिए, क्योंकि थोड़े टाइम बाद में तुम अपने आप इस चीज को समझ जाओगे। देन पैरा 41, व्हाट विल यू टेल द स्कूल, आई आस्क हिम ट्रम्बलिंग। अब तभी जो है रोनाल्ड है उसने ट्रम्बलिंग इतने कांपते हुए डॉक्टर से बोला कि आप फिर डॉक्टर ये बताओ मुझे आप स्कूल में क्या बोलोगे, क्योंकि डॉक्टर को तो उनकी रियलिटी सारी पता लग गई थी। अब वो थोड़ा सा डर गए थे रोनाल्ड कि ये तो मेरे स्कूल में कंप्लेन कर देंगे, तो डरते हुए उनसे पूछते हैं कि आप अब स्कूल में क्या बोलोगे मेरे बोर्डिंग स्कूल में। देन 42 पैरा, आई विल से यू हैड अ वेरी सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द स्टमक विच आई एम क्योरिंग विद पिल्स, ही आंसर smiling, it will remain, it will mean that you must stay home for 3 months, 3 more days, but promise me you would not try anything like this again. Your mother has enough on her hands with without having to rush over to fetch you out of school. अब यहाँ पर डॉक्टर क्या बोलते हैं, आई विल से यू हैड अ वेरी सीवियर इन्फेक्शन, मैं आपके स्कूल में ये कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया आपके स्टमक में, विच आई एम क्योरिंग विद पील्स, और उसको मैं जो दवाइयां हैं मेडिसिन उनसे दूर कर रहा हूँ। उस डॉक्टर ने हंसते हुए ऐसे आंसर दिया, इट विल मीन दैट यू मस्ट स्टे होम फॉर 3 more days, और इसका मतलब ये हुआ कि तुम 3 दिन इस घर पर और रुक सकते हो, ऐसा मैं वहां पर बोलूंगा। बट प्रॉमिस मी, लेकिन तुम मेरे साथ एक प्रॉमिस करो, यू विल नॉट ट्राई एनीथिंग लाइक दिस अगेन, लेकिन तुम उसे प्रॉमिस करोगे कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। योर मदर हैज इनफ ऑन हर हैंड विदाउट हैविंग टू रश ओवर टू फेच यू आउट ऑफ स्कूल, तुम्हारी मम्मी के पास में जो है ज्यादा टाइम भी नहीं होता, और तुम अपनी मदर को इस तरह परेशान नहीं करोगे कि तुम्हें वापस से आपके बोर्डिंग स्कूल में तुम्हें लेने के लिए वहां पर पहुंचे, तो मुझसे प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट रिपीट इट, और तुम वापस से ऐसा नहीं करोगे। देन पैरा 43, आई प्रॉमिस, आई सेड आई विल नेवर डू इट अगेन, और तभी रोहन डेड ने जो है डॉक्टर से प्रॉमिस किया और कहा कि मैं आपके मतलब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा जैसे मैंने किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो रोयल डेड है उन्होंने डॉक्टर से प्रॉमिस किया कि आई विल नॉट डू इट अगेन इन माय लाइफ। तो इस चैप्टर से आपको क्या समझ में आया, एक तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरा क्या बताया कि जो टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो पुराने हमें यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन ब्रिसल्स से हमें क्या हो जाता है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। सो स्टूडेंट्स Now you will not use old toothbrush, okay? And one more important thing, you will not speak lie in your life, okay? So I hope you enjoyed lots in this chapter, okay? So you will learn all question answers of this chapter. So आज के लिए हम इतना ही करेंगे। Thank you and have a nice day.